नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त होने के बाद अब तमाम राज्यों में उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और ऐसे में यूपी और बिहार जो है वो टॉप पर बना हुआ है, क्योंकि यूपी और बिहार की सियासत जो कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत से पूरा तरह से ताल्लुक रखती है, क्योंकि यूपी और बिहार से देखा गया है तमाम यहां पर प्रधानमंत्री हमारे देश के निकलते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में आप बात कर लें अगर रुपौली विधानसभा क्षेत्र की, जो कि बीमा भारती की विधानसभा रह चुकी है, बीमा भारती लोकसभा चुनाव से पहले यहां से 6 बार विधायक रह चुकी हैं, रुपौली विधानसभा सीट बीमा भारती का गढ़ मानी जाती है, तो अब ऐसे में आरजेडी के टिकट पर उपचुनाव के लिए बीमा भारती ने नामांकन दाखिल कर दिया है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पप्पू यादव उनका समर्थन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन पप्पू यादव यहां पर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं कि पप्पू यादव किसी भी कीमत पर यहां पर बीमा भारती का समर्थन नहीं करेंगे, वो किसी और का समर्थन बेशक कर देंगे लेकिन बीमा भारती का समर्थन नहीं करेंगे। और ऐसे में अब यहां पर सियासी माहौल जो है पूरी तरह से गर्माता जा रहा है, क्योंकि बीमा भारती के बेटे के ऊपर यहां पर, राजा के ऊपर कहीं ना कहीं यहां पर एक आपराधिक मामला निकलकर सामने आया था जिसमें उनके लिप्त होने की उम्मीदें लगाई जा रही थी, तो ऐसे में उस मामले में पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हुई है और उस मामले का पूरा तरह से यहां पर चिट्ठा खुलकर नहीं सामने आया। और इसके बाद कहीं ना कहीं बीमा भारती के उपचुनाव के नामांकन की जो तिथि थी उसमें कहीं ना कहीं यहां पर अटकलें आती हुई देखी गई, तो ऐसे में अब यह देखा जा सकता है कि बीमा भारती इतनी मुश्किलों के बावजूद, इतनी यहां पर चीजें उनके खिलाफ होने के बावजूद कहीं ना कहीं उपचुनाव जीतने में कहीं असमर्थ तो नहीं रह जाएंगी। क्या पप्पू यादव समर्थन करते हुए नजर आएंगे? क्या आरजेडी के टिकट से दोबारा एक बार जीत दर्ज करती हुई नजर आएंगी? नीतीश कुमार को यहां पर करारा झटका देती हुई नजर आएंगी? तमाम सवाल यहां पर निकल कर आते हैं, तमाम सवालों के जवाब लेंगे हमारी सहयोगी शालिनी से। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या लगता है जिस तरीके से रुपौली विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव यहां पर लड़ाया जा रहा है, बीमा भारती को आरजेडी के टिकट पर लालू यादव से मुलाकात करती है, उनको दोबारा से एक बार मौका दिया जाता है, 6 बार की विधायक रह चुकी हैं, ऐसे में पप्पू यादव के खिलाफ लोकसभा चुनाव मैदान में उतरी और उसके बाद कहीं ना कहीं करारी हार के बाद अब रुपौली विधानसभा से उपचुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, तो पप्पू यादव के यहां पर कयास लगाए जा रहे थे कि उनका समर्थन करेंगे, तो क्या लगता है पप्पू यादव यहां पर सामने ना कह के यहाँ पर अंदरूनी तौर से कहीं समर्थन करते हुए तो नजर नहीं आएंगे बीमा भारती का? देखिए मनीष, यहाँ पर पप्पू यादव ने खुले तौर पर, साफ तौर पर ये कह दिया है कि वो किसी भी हालत में बीमा भारती का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि ये जो व्यवसायी हत्याकांड हुआ है, इसमें जो उनके बेटे का नाम सामने आया है, इस तरीके के अगर मामले सामने आते हैं तो वो अपनी जनता, उनके लिए जो जनता है वो पहले है, उसके बाद वो आते हैं। जो पद उन्हें मिला है वो पद नहीं चाहिए, जनता की यहाँ पर हिफाजत चाहिए, इस तरीके के वो बयान देते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे में यहाँ पर ये भी देखा गया कि पप्पू यादव जो है वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी भड़कते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ये जो कहते थे कि ये जो सच की राजनीति करते हैं, ये आखिरकार इस तरीके के निर्णय जो है कैसे ले सकते हैं, बीमा भारती को कैसे रुपौली से टिकट दे सकते कि उनका बेटा जो है वो इस हत्याकांड में, उसके बेटे का नाम सामने आ रहा है, और ऐसे में अगर आरजेडी ने जल्दबाजी में ये फैसला लिया है तो ये फैसला बहुत ही ज्यादा गलत फैसला है और यहाँ बीमा भारती को टिकट नहीं देना चाहिए था। और रुपौली से जिस तरीके से आपने बताया कि रुपौली से 6 बार की विधायक है बीमा भारती, और अभी जब उन्होंने इस्तीफा दिया था रुपौली से, क्योंकि वो जेडीयू के चुनाव चिन्ह से वहां पर जीत हासिल करती दिखाई थी, तो ऐसे में अब वो आरजेडी के टिकट से रुपौली पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रही है। और यहाँ लालू प्रसाद यादव ने भरोसा इसलिए भी कह सकते हैं जताया क्योंकि वो 6 बार की विधायक रह चुकी हैं, तो रुपौली की जो जनता है वो कहीं ना कहीं बीमा भारती को पसंद करती है। लेकिन यहाँ यही देखा जा रहा था कि पप्पू यादव ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियों का समर्थन किया था, यहाँ मीसा भारती का उन्होंने समर्थन किया था, रोहिणी आचार्य का भी किया था, तो यही कयास लगाए जा रहे थे कि बीमा भारती का भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर उनका जो व्यवहार देखा गया वो व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। यहाँ पर पप्पू यादव बीमा भारती के समर्थन में किसी भी हालत में नहीं उतर सकते, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। और साथ ही उन्होंने यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे जल्द कार्रवाई करने की मांग भी कर दी है कि जितने भी अपराधी इस हत्याकांड में शामिल हैं उन सभी अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और यहाँ पर कोई भी हो, अगर वो बीमा भारती भी हो यहाँ, क्योंकि इस जो हत्याकांड है इसमें कई राजनीतिक नेता, कुछ बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हैं, तो ऐसे में जितने भी अधिकारी इसमें शामिल हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द उन्हें ढूंढा जाए और उन्हें सजा सुनाई जाए। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर जो मामला आपराधिक राजा पर निकल कर आया है, बीमा भारती के बेटे पर निकल कर आया है, उससे कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में बीमा भारती के वोट परसेंटेज थोड़ा गिरता हुआ नजर आ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उनको करारी हार का सामना करना पड़े
पड़े, क्योंकि जिस तरीके से पप्पू यादव यहाँ पर इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं या फिर उन पर तीखे हमले करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे लगता है कहीं ना कहीं पप्पू यादव आने वाले समय में उपचुनाव के दौरान यहाँ पर उनका खेल बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि रुपौली विधानसभा जो है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से पप्पू यादव लोकसभा चुनाव 2024 में विधायक माफ कीजिएगा एमपी बनते हुए नजर आते हैं, और एमपी बनने के बाद यहाँ पर सांसद बनने के बाद कहीं ना कहीं पप्पू यादव की जिम्मेदारी बन जाती है पूरे क्षेत्र को संभालना और उस पर कड़ी नजर रखना और उसमें होने वाली घटनाओं पर पूरी यहाँ पर कार्रवाई करना। और ऐसे में देखा जा सकता है जिस तरीके से रुपौली के अंदर ये घटना घटी है या वारदात हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं बीमा भारती के बेटे का नाम आना और उसके बाद उपचुनाव लड़वाना आरजेडी का, तो यहाँ पर बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ा सकता है। शालिनी, मैं अगला सवाल लेना चाहूंगा कि क्या लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई बीमा भारती, उसके बाद यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में आरजेडी ने क्या सोचकर बीमा भारती को टिकट दिया उपचुनाव लड़वाने के लिए रुपौली विधानसभा से, कि क्या कुछ रणनीति बना रहे हैं वो ऐसी कि आने वाले समय में बीमा भारती का इस्तेमाल वो आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कर सकें, या फिर कोई बड़ी रणनीति बनाते हुए लालू प्रसाद यादव नजर आ रहे हैं? यहाँ पर देखिए मनीष, यही कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में कयास तो यही लगाए जा रहे थे कि बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच की टक्कर है। यहाँ पर तीसरा जो अगर बीजेपी की ओर से एनडीए गठबंधन की ओर से जेडीयू के नेता को उतारा गया था यहाँ पर संतोष कुशवाहा को, वो मैदान में नहीं है, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जब नतीजे सामने आए, जब मतगणना हुई, तो देखा कि बीमा भारती तो बिल्कुल ही पिछड़ चुकी है, किसी भी प्रकार से उन्होंने पप्पू यादव को टक्कर नहीं दी, तो जो कयास थे वो कयास बिल्कुल बेबुनियाद थे, इस तरीके के कयास का कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन यहाँ पर यह देखा गया कि बीमा भारती की हार हुई, दूसरे नंबर पर भी नहीं आई बीमा भारती, तो ऐसे में लाल प्रसाद यादव ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। तो ये भरोसा इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि पुण्या सीट पर पप्पू यादव मैदान में उतरे, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे, और ऐसा इसलिए उन्होंने किया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वो पुण्या से जीत हासिल कर कर एमपी सांसद बन सकते हैं। तो इस तरीके से जब उन्होंने बयान दिए कि वहां की जनता में पुण्या के लिए जान दे दूंगा लेकिन पुण्या नहीं छोड़ूंगा, इस तरीके उन्होंने बयान दिए, तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा था कि जो पप्पू यादव है वो लगातार पुण्या से 3 बार के सांसद भी रह चुके हैं, तो अब बीमा भारती भी तो रुपौली से 6 बार की विधायक है, अगर वो 6 बार की विधायक रह चुकी है यानी कि वहां की जो जनता है वो बीमा भारती को पसंद करती है, उनके कार्य को पसंद करती है, और यही चीज देखते हुए लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती पर एक बार फिर से भरोसा जताया, उन पर दाव खेलने की कोशिश की है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस उपचुनाव में क्या बीमा भारती अपनी रुपौली सीट को हमेशा की तरह बचा पाती हैं या इस बार जो रुपौली सीट है वो उनके खाते से निकलती दिखाई देती है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर बीमा भारती की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, जिस तरीके से पहले 6 बार की विधायिका वहां से रह चुकी है रुपौली से, तो इस बार 7वीं बार भी उनको बाजी मारनी होगी, नहीं तो यहाँ पर सख्त एक्शन आरजेडी ले सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीमा भारती के ऊपर तमाम उंगलियां उठती हुई नजर आई थी और ऐसे में विपक्ष जो है हमलावर था, और ऐसे में पप्पू यादव जो लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं पूर्णिया के, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आए लोकसभा चुनाव के दौरान, और आने वाले जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पप्पू यादव यहाँ पर अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, बीमा भारती की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर रुपौली की जो विधानसभा है उससे अगर बीमा भारती जीत दर्ज करती है तो आरजेडी से टिकट कटना यहाँ पर लगभग नामुमकिन हो जाएगा, और पप्पू यादव शायद थोड़ा सा यहाँ पर सचेत होना यहाँ पर शुरू कर दें बीमा भारती से, तो अब देखना यह होगा कि क्या बीमा भारती रुपौली की विधानसभा सीट से यहाँ पर जीत दर्ज में कामयाब हो पाती है या फिर यहां पर मामला उलटता हुआ नजर आता है और आरजेडी से उनको यहां पर बेदाखिल करने की नौबत आ जाती है। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।